हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा कुकिंग विथ रेनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी 5 मिनट में देसी स्टाइल में आलू दम, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए वो है 1 कटोरी लगभग हरा धनिया, 2 पेड़ लहसुन के हरे और हरा मिर्चा, 5-6 उबले हुए ठंडा किए हुए आलू। इसमें हम गर्म आलू का यूज़ नहीं करेंगे। और मसाले में हमें चाहिए लगभग आधी चम्मच आमचूर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और 2 बड़ी जो कि उड़द दाल की बनी हुई रहती है, मार्केट में आराम से मिल जाता है। और अब हम धनिया, लहसुन के पत्ते और मिर्चा को थोड़ा सा पानी आधा कप लगभग डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखा है। लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल है। और ये हमारा पिसा हुआ हरा मसाला, जिसमें धनिया, लहसुन की पत्ती और हरी मिर्च है। अब तेल में सबसे पहले वड़ी को डालेंगे, उसके बाद ये हम अपना हरा मसाला डालेंगे, अब इसमें आमचूर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डाल के मिलाएंगे। इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे। और इस आलू दम को बनाने के लिए आप हमेशा ठंडे आलू का इस्तेमाल करें। है ये सिंपल पर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मसाला हमारा लगभग भून चुका है। अब मैं इसमें आलू मिला दूंगी। आलू मिक्स हो गया, थोड़ा सा इसमें हम लगभग 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि ये इसमें के मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।